मेरा नाम है शेफ विकास, स्वागत है आपका हमारे किचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये रेसिपी है दोस्तों उत्तराखंड की रेसिपी है, इसको पथ्यूड़ बोला जाता है। तो पथ्यूड़ तो अलग अलग टाइप के बनते हैं उत्तराखंड में। तो मेरे पास आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट दोस्तों ये है बुढ़नी। ये हमारा जो वेजिटेबल है ये जंगलों में मिलता है और मार्च से लेके मई तक मिलता है, इसका जो सीजन होता है मार्च से मई तक। तो ये बुढ़नी है, इसकी काफ़ी सारी दवाई बनती है दोस्तों। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं नीचे पूरी इसकी जानकारी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी जानकारी इसकी। तो ये है दोस्तों बुढ़नी, और हमने ये ले रखा फ्रेश राई। इन दोनों को मिलके दोस्तों हम इसको पहले हम फाइनली चॉप करेंगे, फिर हम मसाले में मिलाएंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे और उसके बाद हम टॉस करेंगे। फिर ये आप मेरे पास मसाला देख सकते हैं, मैं मसाला दिखा सकता हूँ आपको सारा। लिया नहीं हमने, हमने यहाँ पे आधा कटोरी ली बेसन, एक कटोरी आटा, नमक, मिर्ची, हल्दी, और हम कुछ भी इसमें यूज नहीं करेंगे। और बहुत ही हेल्दी और ऑर्गेनिक रेसिपी है दोस्तों ये। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसको बनाना। सबसे पहले हम इसको चॉप कर लेंगे दोनों को, राई को भी और जो हमारा वेजिटेबल है बुढ़नी, इसको चॉप कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसको चॉप कर दिया है, मैंने बुढ़नी को भी चॉप कर दिया, इसको भी चॉप कर दिया। तो अब हम एक परात में इसको डाल देंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुढ़नी को हम इसी में डाल देंगे। हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक कटोरी आटा है, तो एक कटोरी आटा भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और आधा कटोरी मेरे पास यहाँ पे बेसन है, तो ये बेसन भी जाएगा इसमें। अब है दोस्तों नमक, नमक मैं डालूँगा इसमें 2 स्पून नमक, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर ले रखा है, रेड चिली पाउडर यहाँ पे 2 स्पून ये डालूँगा। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसा आपको स्पाइसी खाना या नॉन स्पाइसी वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर भी ऐड कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, 2 स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। तो ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब दोस्तों हम इसका ना वापस डालूंगा मैं इसमें पानी, इसका हम एक छोटा बने डो तैयार करेंगे, उसको हम स्टीम करेंगे। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिए हैं, तो मैं इसको अभी हाथों की उससे इसको मिलाना पड़ेगा दोस्तों, पहले पूरा वो इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे। देख सकते हैं मैंने इसका डो लगा दिया है अभी पतीली, तो इसको हम इसमें स्टीम करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर लकड़ी डाल रहा हूँ, नीचे सबसे पहले जाएगी लकड़ी। ये देखो दोस्तों लकड़ी हमने लगा दी है, मेरे पास यहाँ पे 1 गिलास पानी है, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगा। ये हमने पानी डाल दिया, आप यहाँ देख सकते हो इसके मैं बिल्कुल ऐसे राउंड साइड वो बना दूंगा पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम ऐसे में स्टीम करेंगे। और एक और ये मेरे पास नींबू के पत्ते, इससे क्या होगा एक इसमें लेमन का फ्लेवर भी आएगा और स्टीम का स्टीम होगा। ये हम इसको ऐसे रखूँगा मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे रखूँगा यहाँ पे, सेम जितना भी हो हम सेम ऐसे ही रखेंगे पूरा। सेकंड बैच भी हम ऐसे वो कर रहे हैं, बैच भी इसी में डालेंगे दोस्तों, ये हम यहाँ पे रख देंगे स्टीम में पकाएंगे हम इसको। ये देखिए दोस्तों लास्ट वो भी हमने इसमें डाल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमने इसको ऐसा कर दिया, मैंने ये ऑन कर दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट इसको हम स्टीम में पकाएंगे। इसके ऊपर हम दोस्तों ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट हम इसको अच्छी तरह स्टीम में पकाएंगे। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, तो जो हमारा ये बुढ़नी का ये है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले, तो ये आप देख सकते हैं इसको डाल रहा हूँ मैं एक प्लेट में। ये देखिए दोस्तों ये हमने निकाल दिया है जो हमारा बुढ़नी पथुआ का जो वो है, तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हम तड़का मारेंगे। मेरे पास यहाँ पे राई का दाना है और तेल है, तड़का मार के दोस्तों हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा ठंडा होने दूँ, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। तो दोस्तों ये ठंडा हो गया है, तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगा, इसकी हम कटिंग कर लेंगे पहले।
ये देखिए दोस्तों, हमने कटिंग करके रख दिया और मेरा पैन यहाँ पे ऑन है। इसमें हम अभी तड़का मारेंगे, फाइनल टच देंगे हम अपने पतीहूड़ को। मेरे पास यहाँ पे राई का तेल है, मैं इसमें डाल रहा हूँ राई का तेल। 2-3 स्पून में राई का तेल डालेंगे। तेल जब तक थोड़ा हमारा गर्म होता है दोस्तों, तेल गर्म हो गया। मेरे पास यहाँ पे राई का दाना है तो मैं 2 चम्मच राई का दाना डालूंगा इसमें। अब डालेंगे दोस्त हम इसमें पतीहूड़, जो हमारे बुढ़नी के पतीहूड़ है, इसमें हम तड़का मार रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं अच्छी तरह टॉस कर लूँगा। टॉस कर लेंगे अच्छी तरह, और हम मसाला कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ तड़का मारना है इसमें बस। तो यकीन माने दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी स्टार्टर है, क्योंकि हमने पहले इसको स्टीम किया है। और लाजवाब वो है, ये उत्तराखंड का तो बहुत फेमस है, इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये रेसिपी नए तरीके की रेसिपी है और इजी है, आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया और ये हमारी प्लेट है, इसमें हम इसको डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने इसको इसमें वो कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ, मेरे पास यहाँ पे गुलाब का फूल है गार्निशिंग के लिए, यहाँ पे राई के फूल हैं, और जो बुढ़नी है ये भी उसी के फूल है इसमें। तो ये इसमें गार्निशिंग में हमने ये डाल दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। एक और हेल्दी स्टार्टर हमने आपके साथ शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं, पतीहूड़, बुढ़नी और राई के पतीहूड़। तो दोस्तों, आप भी इसको बना सकते हैं। तो ये आप, और अब हम लेते हैं आपसे विदा, फिर हम मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय उत्तराखंड।